नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी कोटा देहात राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यशाला का आयोजन राजरानी टावर में हुआ, जिसमें प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष मुकुट नागर एवं मोर्चा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर खटाना एवं जिला महामंत्री नारायण जी गोयल, संयोजक ललित शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर एवं वंदे मातरम के साथ सत्र की शुरुआत की। कार्यशाला के प्रथम सत्र में देहात जिला अध्यक्ष मुकुट जी नागर संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को इससे बचने के लिए जी जान से जुटने का आह्वान किया। जिला महामंत्री नारायण गोयल ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दोनों लहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी से जनता में गरीबों तक राशन पहुंचाया और हमारे प्रधानमंत्री जी दूरदर्शिता के बल पर ही विश्व में सबसे पहले स्वदेशी कोविड का टीका बना और उनकी दूरदर्शिता और मेहनत के दम पर आज विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफल हो पा रहा है। कार्यशाला में द्वितीय सत्र में योग शिक्षक राजेंद्र जी शर्मा ने योग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रायोगिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग प्रदर्शन किया और इस सत्र में मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री एवं विधायक रामगंज मंडी मदन दिलावर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्रीय नीति के लिए कार्यकर्ता है। उन्होंने आगे अपने संबोधन में कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जो सोच है उसे जन जन तक पहुँचाने का दायित्व आप सभी कार्यकर्ताओं पर है। आप सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से गरीब बहुत व्यक्ति हैं, सामाजिक दृष्टि से भी पीड़ित हैं। आप सभी का यह मिशन देकर राष्ट्रीय हाईकमान, प्रदेश हाईकमान ने जिले के नेतृत्व में एक बहुत ही उचित कार्य किया है। इससे आपको जनता से निरंतर संपर्क रहेगा, जनता के सुख दुख में भागीदारी का कार्य करने से आपको आत्मिक खुशी प्राप्त होगी। सत्र में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शारदा ने स्वास्थ्य स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि हमें 2 वैक्सीन लगाने के बाद पूरी तरह से सतर्क रहना है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में अगर कोई वाहक बच्चे के अभिभावक ही होंगे। इसलिए सभी अभिभावक को वैक्सीनेशन कराने के बाद सावधानी बरतनी है जो हमें कोरोना से बचाने के लिए बरतनी है। डबल मास्क का यूज करना है, मास्क को रोजाना धोना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और साबुन से हाथ धोना है, तभी हम इस कोरोना से बच पाएंगे। सभी स्वयंसेवक जन जन तक यह संदेश पहुंचाएं। इसी क्रम में संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सागेंद्र हीरा लाल जी नागर ने सभी स्वयंसेवकों को पूरी निष्ठा से जन जन तक कोरोना की तीसरी लहर से बचने के उपाय बताने को कहा। अंतिम सत्र में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर खटाना ने युवाओं को पूरी तरह से इस अभियान में जुट जाने का आह्वान किया। किसान मोर्चा के अध्यक्ष योगेंद्र नंदगांव ने सभी किसानों को और किसान जनप्रतिनिधि पूर्ण रूप से तीसरी लहर से कैसे बचना है इसके लिए सचेत रहने के लिए कहा। सत्र के मुख्य संबोधन को संबोधित करते हुए लाडपुरा विधायक युवरानी कल्पना देवी ने लहर में बच्चों को कैसे बचाएं और कैसे अभिभावक अपने आप को सुरक्षित रखें, बच्चों को सुरक्षित रखना पर मार्गदर्शन दिया और कार्यशाला के अंत में संयोजक ललित शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया एवं संयोजक रणदीप जोशी एवं अनुराधा जी मीणा ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला का संचालन सह संयोजक जगदीश हांडा ने किया। R9 भारत के लिए मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट, कोटा। राजस्थान की कोचिंग नगरी कोटा शहर में जैसे ही शैक्षणिक संस्थानों के ताले खुले, छात्र छात्राओं की भीड़ नजर आने लगी। छात्र छात्राओं व अभिभावकों के चेहरे पर भविष्य को देखते हुए मायूसी के बादल हटने लगे हैं, परंतु खुशी के मद्देनजर नहीं हो रहे COVID-19 की गाइडलाइन का पालन। इसी तरह रही भीड़ तो आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। पुष्प चंद जाटम ने बताया कि राजस्थान प्रदेश में गत 2 वर्षों से COVID-19 वैश्विक महामारी के चलते सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है, विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार हो गया है। गैर सरकारी विद्यालय महाविद्यालय तथा कोचिंग संस्थान के शिक्षक सड़क पर आ गए हैं। कई प्राइवेट शिक्षकों को अपना धंधा तक बदलना पड़ा है, लेकिन शैक्षणिक संस्थान खुलने पर अब आस सी जगी है, फिर से लाइन पटरी पर आ जाएगी। अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन 1 सितंबर से शैक्षणिक संस्थान खुलने पर सभी के चेहरे पर मायूसी के बादल हट गए और लंबे अरसे के बाद खुशी की लहर दौड़ी। विद्यार्थियों ने लंबे अरसे के बाद शैक्षणिक संस्थानों में कदम रखे और एक दूसरे से मिलकर किया खुशी का इजहार और जुट गए अध्ययन में। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान पूरे राजस्थान प्रदेश में लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन के बाद में 1-2 साल के बाद में आज स्कूलों में और कॉलेजों में फिर से रौनक होती है। विद्यार्थी सभी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, भविष्य का सवाल था। इतने
लंबी अवधि के बाद में आज जो डिजिटल कॉलेज खुले हैं बड़ी प्रसन्नता हुई है उनको और प्रसन्न है। कोरोना का ही कोरोना गाइडलाइन तो अभी है कि प्रशासन जो है गाइडलाइन की पालना तो ये राजस्थान के कोटा जिले का बिहार R9 भारत के लिए मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट कोटा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।